आपने अभी देखा हम यहाँ पर आज आपके बीच में है, हमारे लिए ये एक अच्छा महत्व का क्षण है। MCL के लिए, सारे परिसर के लिए, ओडिशा के लिए, सभी के लिए, हम सभी के लिए। हम चार प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और हमें लाभ हो रहा है आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जो इसके इनॉग्रेशन करेंगे का। साथियों, दो FMC RLS प्रोजेक्ट्स हैं, साइलो प्रोजेक्ट्स हैं, कुल मिलाकर लाजपुरा 15 मिलियन और भुवनेश्वरी फेज 1 10 मिलियन 25 मिलियन टन की ये फैसिलिटी शुरू होने जा रही है, इनॉग्रेट होने जा रही है। एक डबलिंग ऑफ झारसीगुड़ा सड़क का रेल लाइन है और एक वॉशिंग है। वॉशिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, नॉन कोकिंग और वॉशरीज में यह अपने आप में एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है, उड़ीसा की अच्छी शुरुआत होने जा रही है कोयला उद्योग के लिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण जो ताप विद्युत प्रकल्प है, थर्मल पावर प्लांट्स, उनके लिए वॉशरी एक अहम पहल साबित होने जा रही है। इससे थर्मल पावर प्लांट्स को ऐश मैनेजमेंट, ऐश वाटर मैनेजमेंट के लिए कम जगह लगेगी, उसमें सुधार आएगा, कम कोयला हैंडल करना पड़ेगा, रेक मूवमेंट कम होते हुए भी उतना ही GCV ग्रॉस कलर की वैल्यू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अनेक प्रकार के बेनिफिट्स इस वॉशिंग के जरिए होने जा रहे हैं और हमें ये अपेक्षित होती है। साथियों, ये महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो आपकी अपनी कंपनी आपके बीचों बीच में अवस्थित है, पहली कंपनी होने जा रही है जो इस साल 200 मिलियन टन का उत्पादन की लाइन को पार करने जा रही है। भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी, कोल इंडिया की सबसे बड़ी सब्सिडरी, करीब करीब हम लोग 205 मिलियन टन की तरफ आज तारीख को आगे बढ़ रहे हैं। साथों साथ में करीब करीब हम 200 मिलियन टन के प्रेशर यानी कोल डिस्पैच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और 280 मिलियन क्यूबिक मीटर वो भी रिन्यूअल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, अपेक्षा अनुरूप और संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुरूप हम लोग सामाजिक दायित्व तथा अन्य पर्यावरणीय और बाकी सभी कंप्लायंसेस एंड उसके बियॉन्ड भी अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। Donation for we are crossing 200 MT in production. Yeah, sorry, 200 million ton in production for that. But what is the gradation of the coal? Is it not because of the to reach the target you are going for E and F grade coal? Or what is the real gradation of the coal? Number one. Number two. What is the reason you are not requisition? You are not making requisition for CISF in your vulnerable mining area, including your headquarter, and you are giving huge money to the simple lathi owing security person, private security person. Thank you. Nice question. Actually, I will thank you for asking such questions. First of all, gradation of two things. First is the mother earth has given us the gift. You can't change it. Whatever the grade of coal is, it is there. And we have to do our business, our activities, our expectations, our aspirations according to the natural resources we have. The second part, the gradation is a commercial activity. It's transparent. There is third party sanction. And it's not within the control of either the producer or the consumer. But the sampling is 100% third party. So the issue is sorted out. To the largest. And but yes, there are some disputes now and then. There are some mechanisms. Maybe in future we will improve our systems.
that's open for the future, because never in the time scale we can say that now we are perfect. We always improve, we always try to improve. So that is all about the future. Then about the CSR, beautiful question. Yes, we all are equally concerned, or rather more concerned than you, for the security personnel and the quality of security we do have. We already are requisitioned for CISF, for OSF, for Tripura Battalion, and lot more things. But actually what happened? CISF first line had a stand, policy decision. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समर्थन स्थापित बोलती में सर्वप्रथम है श्री करुच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्वागत करुच्ची स्वागत करुच्ची श्री जे के बरा सर डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन स्वागत करुच्ची श्री एस बापट डायरेक्टर टेक्निकल प्रोविडेंट प्लानिंग स्वागत करुच्ची मीडिया प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी बंधु को स्वागत करुच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम मैं अनुरोध करेंगे जो प्रोजेक्ट्स है उनको जो उद्घाटन करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा एक आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो MCL जैसे कि आप लोगों को पता है ये 1992 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। 193.26 मिलीमीटर हम लोगों ने प्रोडक्शन किए। ये पूरे CIM के जितने सब्सिडियरीज है वो सभी सब्सिडियरीज में से सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग हमारे MCL कंपनी है। हमारे पास इंडीज माइंस है जिसमें 16 ओपन कास्ट है और 3 अंडरग्राउंड माइंस है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे माइंस जो है उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अंगूर में, झारसुगुड़ा में और सुंदरगढ़ में। और ये कंपनी है जो कि सिर्फ उड़ीसा में ही इसका जो है टोटल ऑपरेशन हम लोग उड़ीसा में है। दो स्टेट्स में भाग किया हुआ है। जैसे आप कोई भी सब्सिडरी ले लीजिए, यंगेस्ट सब्सिडरी ऑफ कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ CIM है जो कि उड़ीसा में स्थित है और एंटायर ऑपरेशन जो है उड़ीसा में है। इस साल के जो एक स्टैटिस्टिक्स है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। इस साल MCL का जो प्रोडक्शन है वो 31 जनवरी तक हम लोगों ने कुल प्रोडक्शन 166 मिलियन टन 6% ग्रोथ है। जहां कुल डिस्पैच के सवाल है उसमें हम लोगों ने 163.59 मिलियन टन किए जो कि अराउंड 1.5% ग्रोथ है। और जो ओवरबर्डन रिमूवल है उसमें हम लोगों ने 221 मिलियन क्यूबिक मीटर हम लोगों ने ओवरबर्डन रिमूव किए। देखो कल हम लोग प्रधानमंत्री महोदय के उपस्थिति में और उनके करकमलों से 4 प्रोजेक्ट्स जिसमें 2 FMC साइलो कोयला लोडिंग के प्रोजेक्ट है, एक 10 मिलियन टन का भुवनेश्वरी फेज 1 और एक 15 मिलियन टन का राजपुरा CHP RLS है, ऐसे 25 मिलियन टन का कोयला लदान कोल लोडिंग के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, एक 10 मिलियन टन की नॉन कुकिंग कोल वॉशरी जिसको ई वॉशरी कहते हैं उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, एवं झारसीगुड़ा से सरडेगा तक रेलवे लाइन का डबलिंग पूरा हो गया है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे 4 प्रोजेक्ट्स हैं। कुल मिलाकर ये 4 प्रोजेक्ट की लागत 2145 करोड़ रुपए की है। इससे अलग अलग प्रकार की सुविधाएँ, पर्यावरणीय कंप्लायंसेस का बढ़ावा और एफिशिएंसी का बढ़ावा ये मिलेगा, और अन्य प्रकार से भी जैसे कि हमने बताया कि वॉशरी अनेक प्रकार के बेनिफिट्स कोयला उद्योग को, रेलवेज को कम जाकर में ज़्यादा इसी का ट्रांसपोर्टेशन, एवं जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पर कम कोयला हैंडलिंग, कम ऐश पॉन्ड के लिए जमीन का डलना, इस प्रकार के सारी सुविधा आगे चलकर मिलने का हम लोग अपेक्षित हैं। नए सिरे से एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट हुई है एंड
लोकल के लिए ये सारे इतने सारे उद्योग आ रहे हैं, तो इसके लिए प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट के साथ में सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट और टर्शरी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होने जा रही है, और उससे इस प्रदेश का विकास, इस प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट भी आने जा रही है एंड बदलाव निश्चित है। थैंक यू सर।